नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार राजनीति की भूमि है और यहाँ हर क्षण राजनीति चलते रहती है। ऐसे में अगर बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखें तो एनडीए में उठापटक लगातार तेज है। सरकार बनने बिगड़ने की बात भी चल रही है सियासी गलियारों में। ऐसे में आज एक बार सियासी हरकंप मचा दिया था जो राजद कोटे से, राजद के जो अल्पसंख्यक माफ कीजिएगा, राजद के अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के जो प्रदेश अध्यक्ष है साधु पासवान की हम बात कर रहे हैं, वे अचानक से संतोष सुमन जो जीतनराम मांझी जी के पुत्र है, बिहार सरकार में मंत्री हैं, बिहार सरकार में अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के मंत्री हैं, उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन इसमें एक सियासी वायदा भी होता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी कुछ दिन पहले ही बीजेपी को आंख दिखाते हुए नजर आई थी और ऐसे में राजद के कोई व्यक्ति जा करके, कोई नेता जा करके हम पार्टी के नेता से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो इसे राजनीतिक सियासी जो पारा है इसे चढ़ाने वाला माना जाता है। ऐसे में आज एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातें देखने को मिली। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी बिहार के राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं। चिराग पासवान जी के लिए भाजपा पहले भी कह चुकी है कि वे हमारे साथ हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान जी को उत्साहित नजर आ रही थी भाजपा, लेकिन चिराग पासवान ने इसे खारिज कर दिया था। जब बात तेजस्वी यादव की जाए तो तेजस्वी यादव भी और लालू प्रसाद यादव खुद स्वयं जो है आकर के चिराग पासवान के लिए कह चुके हैं कि अगर साथ आते हैं तो बेहतर होगा, युवा राजनीति को बल मिलेगा, चिराग तेजस्वी के साथ होने की बातें कह रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि जैसे ही जो एनडीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसी बीच जो है भरे मंच से एक ऐसी बात सामने आ गई जिसके बाद से सब एक बार थोड़ी देर के लिए जो है रुक करके सोचने लगे। आपको बता दें कि भरे मंच से जो संजय जायसवाल जी हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि लोजपा हमारे साथ ही है और इस चुनाव में भी साथ रहेगी। समझिए, एक बड़ी बात थी। और उसी मंच पर सबसे बड़ी बात यह है कि जदयू, जिसे चिराग पासवान जी से काफी चिर है, चिराग पासवान जी और जदयू का रिश्ता किस प्रकार से है, नीतीश कुमार जी का किस प्रकार से है, ये बात भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि उसी मंच पर ललन सिंह जी जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अशोक चौधरी जी जदयू कोटे से मंत्री हैं, जदयू में उनका क्या स्थान है ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, उमेश सिंह कुशवाहा जी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे तमाम लोग मौजूद थे। ऐसे में संजय जायसवाल जी कहते कहते कह देते हैं कि लोजपा अब भी हमारे साथ है और इस चुनाव में भी आप देखेंगे। लेकिन ये बात कहने के साथ ही ललन सिंह जी सब लोग जो है संजय जायसवाल की ओर देखने लगे। इसके बाद आपको बता दें कि इसके तुरंत बाद संजय जायसवाल जी ने अपनी बातों को पलटा और कह दिया कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एनडीए सरकार में सहयोगी हैं और जब उपचुनाव बिहार में हो रहा है तो इसमें एनडीए के पक्ष में ही उनकी सक्रियता भी दिखेगी। ऐसे में जो पशुपति कुमार पारस जी हैं वे अपनी ओर से कोई कैंडिडेट देने नहीं जा रहे क्योंकि वे लोजपा के ही हिस्सा हैं, यानी कि चिराग वाली लोजपा की बात नहीं करके उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी के वाले लोजपा की बात कर दी और कहीं ना कहीं इशारों इशारों में उन्होंने चिराग पासवान जी को भी एक संदेश दे दिया। वे उस चिराग पासवान को जिसके लिए भाजपा कुछ दिन पहले ही थाली सजाते हुए नजर आई थी लेकिन चिराग पासवान जी ने उस थाली पर बैठने से मना कर दिया था। देखिए कैसे क्या कुछ हुई और किस प्रकार की असहजता जो है कुछ देर के लिए पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बच गई थी। देखिए ये वीडियो। कीमत पर हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, इस सरकार के कार्यों के कारण दोनों सीटें हम पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। पहले भी आपने कहा था कि लोजपा अभी भी हमारे गठबंधन में है, आरजेडी ने कहा है, बिल्कुल इसमें भी चुनाव प्रचार में जाएंगे पशुपति पारस जी, बिल्कुल चुनाव प्रचार करेंगे। लोजपा पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और हमारे साथ हैं। जब केंद्र में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो हमारे देश में जो हमारा गठबंधन है पशुपति पारस जी और लोजपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल चुनाव प्रचार में जाएंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।